पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे बीविया, मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते और पिछले हफ्ते की रिलीज हुई फिल्मों के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें नुसरत भरूचा की मीडियम बजट फिल्म जनहित में जारी के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज कंप्लीट हो चुके हैं 11 दिन। बात करें इस फिल्म के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 43 लाख रुपए से ओपनिंग ली थी। वही फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 3 करोड़ 30 लाख रुपए का कर लिया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 60 लाख रुपए का किया। इसी के साथ दोस्तों जनहित में जारी का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 3 करोड़ 90 लाख रुपए हो चुका है। वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 5 करोड़ 60 लाख रुपए। बता दो दोस्तों फिल्म का बजट भी काफी कम था, उस हिसाब से फिल्म के कलेक्शन ठीक ठाक से रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें फिल्म मेजर के बारे में, जिस फिल्म में देखने को मिले थे शेरशाह देवी, बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक हिंदी मार्केट से नेट कलेक्शन 12 करोड़ 17 लाख रुपए का किया है। वही इस फिल्म ने तीनों भाषाओं से ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 41 करोड़ का किया। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 48 करोड़ रुपए। बता दे दोस्तों फिल्म का ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन लगभग 13 करोड़ का रहा है, यानी कि मेजर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड मार्केट में टोटल ग्रोस कलेक्शन 61 करोड़ यानी कि 61 करोड़ रुपए का कर लिया है। दोस्तों मेजर फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बात करें कमल हसन सर की फिल्म विक्रम के बारे में, तो दोस्तों विक्रम फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज कंप्लीट हो चुके हैं 18 दिन और ये फिल्म तमिल इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी बन चुकी है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया नेट कलेक्शन 214 करोड़ 85 लाख रुपए का किया है। वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 251 करोड़ 45 लाख रुपए का। साथ ही साथ फिल्म का जो ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन है वो 114 करोड़ 5 लाख रुपए का हो चुका है। यानी कि दोस्तों विक्रम फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 365 करोड़ 5 लाख रुपए का किया है। बताना चाहूंगा दोस्तों विक्रम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। वही दोस्तों बात करें पिछले हफ्ते की रिलीज हुई फिल्म 777 चार्ली के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट हो चुके हैं 11 दिन। बताना चाहूंगा दोस्तों फिल्म ने पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 38 करोड़ 75 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में 57 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म अपने 11वें दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 3 करोड़ का कर रही है, यानी कि इस फिल्म का अब तक का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। वही दोस्तों इस फिल्म ने ग्रोस कलेक्शन 79 करोड़ यानी कि 79 करोड़ का किया है। बता दो दोस्तों 777 चार्ली बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। लेकिन अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड की फिल्म जुग जुग जियो के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों राज मेहता के डायरेक्शन में बनी फिल्म जुग जुग जियो, जिस फिल्म में वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, नीतू कपूर, मोस्ली सेन, मनीष पोल, मतलब कि फिल्म के स्टार कास्ट काफी लंबी चौड़ी है। बता दो दोस्तों फिल्म को रिलीज होने में आप सिर्फ 4 दिन का समय बचा है और फिल्म ने एडवांस बुकिंग से अभी तक टोटल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 1 करोड़ 68 लाख रुपए का किया है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह से देखे जाए तो फिल्म का एडवांस बुकिंग कलेक्शन 1 करोड़ 68 लाख रुपए डिसेंट है, जिसे देखकर लग रहा है कि फिल्म आने वाले 1-2 दिनों बाद एडवांस बुकिंग में एक बड़ा पीक पकड़ सकती है और फिल्म की जो फर्स्ट डे ओपनिंग है वो उम्मीद के हिसाब से बेहतर आ सकती है। लेकिन अब अगर बात करें सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के बारे में, तो दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए अब हो चुके हैं 18 दिन और फिल्म ने 18 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कम कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 55 करोड़ का किया था। वही शुरुआती 2 हफ्तों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 66 करोड़ रुपए रहा था। दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक यानी कि टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 70 करोड़ 50 लाख रुपए का किया है। वही इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन 90 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। बताना चाहूंगा दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है फ्लॉप।